बारिश ये चल रहा है इंडिया में। फिर 11 बजे ही नॉर्मल था। कितनी जोर किया? भयंकर। अब क्या करें? भागो। रेंटल के लिए छाता नहीं ले भाग लेके। हाँ बगल में घर है, बिल्कुल बगल में मेरा घर है और बारिश इतनी तेज है ऐसा मन वो देख लीजिए वहाँ पे। ये बिल्डिंग मेरी है, ये जो बिल्डिंग है ये मेरी है और हम नीचे रिलायंस में खड़े हैं और बारिश आ गई है बहुत तेज। भाग लेते हैं। तूने तो जूते की लेकर लिए वैभव। थोड़े से भीग जाएंगे कोई बात नहीं। भीगना हमारा काम है। अभी अभी मैंने गाड़ी लाके खड़ी करी है इधर अपनी। हिंदुस्तानी है हम अपने देश के लिए कुछ भी करेंगे। अच्छा है। ये अभी अभी मैंने मेरी गाड़ी उधर खड़ी है, अभी अभी पार्क करिए इधर। भागो भाई। हम आ गए लिफ्ट में, भीग गए हम, गीले हो गए। कोई बात नहीं, क्या करेंगे। पहले स्कूल गई, इसका पीटीआई अटेंड किया, फिर थोड़ा शॉपिंग किया और जैसी अरे स्कूल में बारिश आ गई थी, लगा कि कार लेके क्यों नहीं आई। पर चूंकि पीटीएम होता है ना तो बहुत रश होता है गाड़ियों का, इसलिए मैं सेफ साइड बैठती हूँ। तो फिलहाल गीले हो गए हैं, चलते हैं घर। आ गए हैं अपने फ्लोर पर। कोई अंदर आ चुका? कौन आ चुका है? कोई आया होगा कुरियर वाला। जिस तरीके से दरवाजा खुला है मेरा, यानी कोई आके चेक करके गया है। ओके, तो वैभव खोलेगा दरवाजा। चलो देखते हैं वैभव को दरवाजा खोलना आता है कि नहीं। खोलो 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 खोलो। खोल चुका। कुंडी खोलो भाई। जूते 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 बाहर निकालो। भगवान हमारे दरवाजे के बाहर हैं ये। जूते हो गए गीले, साइड में रख दो भाई। काले हो गए? काले छोड़ो, काले पीले तो कोई बात नहीं, साइड में रखो। तो आ गए हैं अपने सपनों के घर में भाई। दुनिया जहान की खुशियां एक तरफ, अपने घर में आने की खुशियां एक तरफ। कहीं चले जाओ पर जो खुशी अपने घर में मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती। ये देख लो भाई, रिजल्ट मिले, रिजल्ट मिले है ना आज, तो खुशी देखो बंदे की। आ हा हा हा, कितनी खुशी है। घर आ गए, घर आ गए। हाँ घर आ गए, टीवी देखेंगे, घर आ गए हैं। चलो हाथ मुंह धो। तो भाई घर आ गए हैं और उसके बाद आ गई मैं किचन में थोड़ा सा रेस्ट करके। तो बाल बाल गीले थे, इनको बांध के हाथ वाथ धो के मैं आ गई। मैंने कहा चलो भाई अब लंच की तैयारी करते हैं, क्योंकि दोनों बच्चे भी आने ही वाले हैं। इस टाइम पर ऑलमोस्ट 1:45 हो रहा था जब मैं ये काम करना शुरू कर रही थी। तो मैंने कुकर चढ़ाया गैस के ऊपर, इसमें डाला मैंने पूरा नाप कर 1 कप पानी, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक, धनिया खूब सारा, आप चाहे तो करी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा 1 छोटा चम्मच भर के तेल और थोड़ा सा जीरा। अब इसे ना पानी में एक उबाल लगा लेंगे, उसके बाद 1 कप चावल का आटा डालेंगे। आज बारिश हो रही थी ना तो मन था कुछ अलग सा खाने का। जब बारिश होती है तो मन करता है ना कि कुछ अलग सा खाएं, रेगुलर जो बनाते हैं उससे डिफरेंट खाएं। और मैंने ना सुबह ही जो श्राद्ध की 2 रोटियां निकलती है वो तो मैंने सुबह ही निकाल दी थी, जब बच्चों का टिफिन बना कर दिया था तभी निकाल दी थी मैंने। तो बस मैंने चावल का आटा पानी में डालकर अच्छे से मिलाकर जो साइड में रख दिया ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए उसमें। तो थोड़ा गर्म है वो अभी। तब तक मैंने क्या किया, ये मैं ना भजिया वाली मिर्ची लेकर आई थी, ये तीखी नहीं होती, तो मैंने 3 मिर्ची वाली काटी है। इसी तरीके से मोटा मोटा काटिएगा। और टमाटर भी मैंने 3 ही काटे हैं, तो एकदम लाल लाल टमाटर है। आज मैं आपको ना बहुत ही बढ़िया सी एक गुजरात की फेमस सेब, सेब क्या कौन सी सब्जी है वो, टमाटर सेब, टमाटर सेब की भुजिया, टमाटर सेब की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। लेकिन इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाऊँगी, बिना प्याज लहसुन के। हालांकि उस सब्जी में बहुत ज़्यादा लहसुन प्याज इस्तेमाल होता है, लेकिन बिना लहसुन प्याज के बढ़िया बनता है। तो सरसों का तेल अच्छे से गर्म करेंगे, थोड़ा ज़्यादा सरसों का तेल जाता है इसमें। उसके बाद इसमें हींग, राई, जीरा, कलौंजी डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे और उसके बाद टमाटर और ये मोटी वाली हरी मिर्ची काट के डालेंगे। गुजरात में ना ये मोटे वाली हरी मिर्चियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। 2 मिनट इनको मध्यम आंच पर पकाकर इसमें हल्दी, धनिया का पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर,
थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, नमक डालेंगे और अच्छे से इसे मिला देंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, सब्जी में लहसुन का और प्याज का इस्तेमाल भी होता है। तो शुरुआत में जैसे हम रेगुलर सब्जी बनाते हैं, पहले प्याज लहसुन भूनते हैं तब टमाटर ऐड करेंगे। पर चूंकि श्राद्ध चल रहे हैं तो हमारे यहाँ तो लहसुन प्याज नहीं खाया जा रहा है, तो मैं बिना लहसुन प्याज के ये सब्जी बना रही हूँ। बहुत स्वादिष्ट बनती है ये, और इस कॉम्बिनेशन के साथ तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये जो पैन है इसको मैं दूसरी तरफ रख दूंगी और इस तरफ ना आटे को देखते हैं कि आटा सेट हुआ कि नहीं। थोड़ा सा टाइम लेता है, 5 से 7 मिनट। तो आटा बढ़िया से सेट हो गया है, अब इसे अच्छे से नीड कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर ये आटा ड्राई लग रहा है तो थोड़ा सा गर्म पानी मिला दें, और अगर गीला लग रहा है तो थोड़ा सा चावल का आटा मिलाकर आप इसे बिल्कुल इस तरीके से नीड कर लें। तेल वगैरह कुछ ना डालें, अच्छे से थोड़ी मेहनत करिएगा इस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एकदम स्मूथ ये आटा हो जाएगा, एकदम चिकना हो जाएगा, तब तक आपको इसे नीड करना है। तो 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। और ये सब्जी देख लेते हैं, सब्जी भी हमारी बनकर तैयार है। इसमें टमाटर को बिल्कुल हलवे जैसा नहीं बनाना होता, थोड़ा सा टमाटर खड़ा खड़ा रहेगा तो सब्जी अच्छी लगती है। फिर इसमें डालेंगे चीनी, और यहाँ पर डालते हैं सेब, जो नमकीन सेब होती है ना मोटे वाली, वो डालते हैं। तो मेरे पास नहीं था, मैंने रायते वाली बूंदी डाली है, आप डालकर बनाना, बहुत पसंद आपको आएगी। फिर डालेंगे धनिया और नींबू का रस डालेंगे आधा। ये नींबू का रस से ना बहुत ही टैंगी सा फ्लेवर सब्जी में आता है। और सब्जी यहाँ पर हमारी बनकर तैयार है। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें ऊपर से, और बस फटाफट 5 मिनट भी नहीं लगे सब्जी बनकर तैयार हो गई। और ये आटा भी हमारा अच्छे से जो है रेस्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, इस आटे को या तो गेहूं के आटे में या फिर चावल के आटे में एक बार सूखा आटा लगाकर इसे इस तरीके से बेल लें। देख लो कितने अच्छे तरीके से रोटी बन रही है ये। आप चाहे तो एज इट इज़ भी इसे बना सकते हैं, लेकिन रोटी दिखने में सुंदर लगे तो मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगी कि आप इसे कैसे बना सकते हैं। जैसे कि चावल के आटे की रोटी है तो उसके किनारे फट जाते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। तो आप बढ़िया और सुंदर दिखाने के लिए इस तरीके की कटोरी का इस्तेमाल करके रोटियां बना सकते हैं। तो आपकी रोटी गोल गोल बनेगी और दिखने में सुंदर भी लगेगी। हालांकि मुझे तो जो आड़ी टेढ़ी सी बनती है ना किनारे वाली, ये वाली ज़्यादा पसंद आती है। तो बस उसके बाद आप इसे सेक लें मध्यम आँच पर। अब मैं दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ कैसे बनाना है। एक आपको लोई लेनी है, अच्छे से लोई को नीड कर लेना है, उसके बाद सूखा आटा लगाकर इसे बेल लेना है। अच्छे से ये बिल जाती है, देखिए घुमा घुमा कर बेले, चाहे चकले को घुमा घुमा कर बेले, देखो बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा कि टूट रही है। लेकिन हाँ, किनारे आपको इसके थोड़े बिखरे बिखरे से लगेंगे, क्योंकि चावल के आटे की रोटी है तो आप इस तरीके से किनारे दबा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से थोड़ा सा दबा देंगे ना किनारे, तो एकदम स्मूथ हो जाएगी रोटी और दिखने में बढ़िया लगेगी। तो आप ये तरीका फॉलो करके बना सकते हैं, ठीक है। बस उसके बाद हम इसे सेक लेंगे। तो आप चाहे तो इसको सूखा ही सेके बिना घी तेल के, लेकिन आज मैं इसे घी के साथ सेक कर बना रही हूँ, बहुत अच्छी बनती है ऐसे, आप ट्राई करिएगा। बिना घी तेल के जब आप बनाएंगे ना तो एकदम फुली फुली रोटियाँ बनेंगी ये। पर चूंकि मैं आज इसे पराठा टाइप बना रही हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है, कुछ अलग सा बढ़िया सा खाने का मन हो रहा था। आप इस तरीके से चावल के आटे के पराठे बोले या रोटियाँ बोले जब बनाओगे ना, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनती है। दोनों तरफ से सेक ले इसे मध्यम आँच पर, और देखिए इस तरीके से बनाना है आपको। पहले आपको लोई पर थोड़ी सी मेहनत करनी है। आप इसे हथेली से चपटा करके भी बना सकते हैं बिल्कुल ऐसे, जो हम जैसे मेरी मम्मी है ना, तो वो तो हाथों से एकदम बड़ा बड़ा बना देती हैं। चावल की रोटी हो, बाजरे की रोटी हो, या फिर मक्की की रोटी हो, कभी भी सूखा आटे का इस्तेमाल नहीं करते। मैं भी बना लेती हूँ, पर चावल के आटे में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो बस हमारी यहाँ पर ये रोटियाँ भी फटाफट बनकर तैयार है। बच्चे स्कूल से आ गए हैं, बच्चों का ट्यूशन का टाइम भी हो गया है। मैंने कहा रुक जाओ, बस मैं दे देती हूँ तुम्हें, देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। तो हल्के बहुत किनारे अगर फट रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, खाना तोड़कर ही है। लेकिन जैसे घर में कोई मेहमान आ गए, आपको उनके लिए चावल के आटे की रोटियाँ बनानी है, तो वो कटोरी से काटने वाला सिस्टम बहुत अच्छा है, उससे रोटी लुकवाइज बहुत अच्छी लगती है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे पर्सनली ऐसी वाली रोटी बहुत अच्छी लगती है जैसी मैंने बनाई है, जिनके किनारे थोड़े से आड़े टेढ़े हो। तो ये रोटियाँ बनकर तैयार है, साथ में सब्जी जिसमें जो मिर्च है ना ये बहुत ही बढ़िया लगती है, बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। तो मैंने टमाटर सेब की जगह आज टमाटर और बूंदी की रेसिपी बनाई है। आप ये सब्जी ट्राई करोगे ना, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, ट्राई करिएगा, बहुत ही बढ़िया लगेगी आपको, गारंटी। तो ये चावल की रोटी और साथ में बिना लहसुन प्याज की सब्जी आप एक बार बनाएंगे ना, तो ये आपकी हो जाएगी ऑल टाइम फेवरेट। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत सॉफ्ट बनती है, एकदम नरम। ये देखिए कितनी टेस्टी रोटी बनी है, और साथ में सब्जी तो बहुत ही कमाल की आपको लगेगी। तो चलिए मैं दे देती हूँ बच्चों को लंच फटाफट। आपको वीडियो पसंद आए, कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों ने खाना खा लिया था, बच्चों के बाद मैंने भी अपनी प्लेट लगा ली, और भूख लगी थी बहुत जोर की, और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो बस अब मैंने यहाँ पर अपना खाना खाया, हो सके तो आप ये रेसिपीज ट्राई करना, दोनों आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।